तो गर्मा गर्म चाय, चाय गरम ना, चाय बन चुकी है। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। श्रेया किचन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं बर्तन जो है स्टैंड पे लगा दूँ, उसके बाद जो है टोकरी जो है खाली हो जाए। आज से बर्तन वाली हो सकता है जल्दी आए, क्योंकि मैंने कल उससे बोला था, तो मुझे आज थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। और यार, मुझे अभी ना सुबह के जगने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, उसको बोल चुकी हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर लेना, तो फिर मजबूरी है मेरी ना, तो फिर तो दिक्कत ही होगी है। और यहाँ पे ना वो बर्तन धुली थी, तो दाल की कलछुल मुझे ऐसे लग रही थी कि जैसे गंदी गंदी सी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको धुल लूँ। और वाकई बर्तन तो थोड़ा अच्छा धोती है, मैं चाहती भी थी कि थोड़ा सा बर्तन जो है अच्छे तरीके से धुले। बस मेरा बर्तन वाला काम ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ये काम ख़त्म करना ही है। जो भी सुबह में काम आप ख़त्म कर लो ना, वही ज़्यादा ही अच्छा है। तो बस मैं यहाँ पे मंजन कर लेती हूँ। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम के साथ बिस्कुट भी फ्री है, तो आप लोग भी चाय पी लो। सच में यार, चाय के साथ मुझे बिस्कुट बहुत अच्छी लगती है। बस मैं यहाँ पर अपना चाय दे के आ गई हूँ, थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, क्योंकि बिना पानी के ना मुझे चाय ना, जैसे मैं बिस्कुट जब खाती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ उससे समय। और पता नहीं क्यों यार, सुबह में तो मैं उससे भी मैं नमकीन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी और नमकीन नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा मन ना, नहीं पूजा नहीं करी हूँ ना। तो बस यहाँ पे मैं चाय लेके बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो मेरी जो ये दीवार है, पूजा के बगल का जो दीवार है, बड़ा गंदा सा हो गया, बहुत ख़राब लग रहा है। तो सबसे पहले मैं चाय बिस्किट खाती हूँ बच्चों की तरह। कौन कौन खाता है बच्चों की तरह, मुझे अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं एक गिलास पानी भी ले लेती हूँ। तो बस चाय ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ आटा, और आराम से बैठी हूँ, आराम से घुटने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे मैं फ़ैन चलाई हूँ किचन में है फ़ैन। थोड़ा सा मन कर रहा था कि आराम से बैठ के आटा को तैयार करूँ, और सच में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि बिल्कुल भी किचन में जाने का मन नहीं करता है। तो फटाक से, कौन कौन नहीं जानता है आटा गूंथना, देखिए तो पहले सबसे पहले तो आटा ले लो, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसके बाद उसको मुक्के मार मार के घुटना पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे मैं पहले उसको इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करने के बाद ही मुक्के मारने की बारी आती है ना। तो फिर देखिए, मेरे यहाँ पे आटा धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हाथ चला रहे हैं कि जल्दी से ये तैयार हो जाए। तो फिर अब बाकी सुबह में इतना सारा काम रहता है ना, तो फिर उसमें मतलब लेट हो जाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए, मेरे बात करते करते आटा भी काफ़ी तक हद तक गूंथ गया है, और मैं यहाँ पे आटा तैयार कर रही हूँ। उसके बाद एक दिमाग में लगा है कि दूसरा काम कौन सा है, मुझे सोचना नहीं पड़ता यार, दूसरा काम तो अपने आप ऑलरेडी बन ही जाता है, उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम करूँगी। तो चलिए, इसी सारे चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगी। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ फिर से। और आटा भी हमारा तैयार हो गया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो, कहने का मतलब मेरा ये कि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।